होते न्यूक्लियर वेपन्स, तो ते डिस्ट्रॉय करण्यासाठी। दो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है, आरोप उनके ऊपर ये है कि वो रिश्वत ले रहे थे न्यूक्लियर वेपन्स, तो ते डिस्ट्रॉय करण्यासाठी। उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है, इस खबर को सुनने के फौरन बाद अब आप लोग वीडियो तलाश कर रहे थे, देखिए वीडियो। न्यूक्लियर वेपन्स एक सर्टन पीरियड च्या नंतर ना एक्सपायर होतात, आणि मग त्याचं ते डिस्ट्रॉय करायचं असते ते वेपन्स, नाही तर ते बॉम्बार्डमेंट होते न्यूक्लियर वेपन्स, तर ते डिस्ट्रॉय करण्यासाठी ते असं डिस्ट्रॉय करू नाही देत, कारण युएन ची ट्रीटी झालेली आहे, एक काय म्हणतात प्लेज झालेला आहे, तर ते असे डिस्ट्रॉय नाही करू शकत। असं डिस्ट्रॉय करायला गेलं ना तर बाकीचे सगळे देश म्हणजे हे लोक काही बॉम्बार्डिंग करून राहिले काय आक्रमण करतील बाकीचे देश, तर यांना ते न्यूक्लिअर वेपन्स ते डिस्ट्रॉय करायचे होते। पोखरण कसं राजस्थान मध्ये पडतं, राजस्थान आपण गेलो तर लागतो, आणि त्याच्यासाठी पोखरण पोखरण। वीडियो देख लिया आपने, वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा होगा कि ड्राइवर हैं, कंडक्टर भी हो सकते हैं, कागजात लेकर आते हैं, और जो कागजात का लिफाफा है उस लिफाफे में से ट्रैफिक पुलिस वाले भाई साहब पैसे निकालते हैं। अब क्या ये चलान के पैसे थे, क्या ये रिश्वत के पैसे थे, इसी के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि एक वीडियो वायरल हो रही है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी जो है वो रामबन के बाजार से लेकर जो त्रिशूल मोड़ का एरिया है उस एरिया के बीच में अनप्रोफेशनल कॉन्डक्ट उन्होंने कहा है, वो पैसा ले रहा है ड्राइवर से नाका त्रिशूल मोड़ के पास, इसी चीज़ का कॉग्निजेंस लेते हुए और गंभीरता के साथ इस मामले को देखते हुए सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद लतीफ और उसके इंचार्ज ASI बिन्नी कुमार दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है, और इन दोनों के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। ऐसे मामले पहले भी बड़ी बार सामने आए, लेकिन बाद में जब इंक्वायरी ऑर्डर करने के बाद इन मामलों में पता ये चला, और ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने क्लेम ये किया कि हम चलान ले रहे थे, ये लीजिए ये चलान की कॉपी, ये लीजिए ये चलान की डिटेल्स, और ये लीजिए ये चलान का पैसा, ये हमने उसी दिन चलान का पैसा वसूला है। इसके चलते किसी के खिलाफ कोई संगीन कार्रवाई हुई हो ऐसा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस वीडियो का फौरन संज्ञान लिया, संज्ञान लेकर फौरन इस वीडियो को लेकर एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, गंभीरता दर्शाता है जम्मू कश्मीर पुलिस की। ये वीडियो आई कहां से हमारे पास, ये वीडियो आई रॉबिन चौधरी एक पत्रकार है जो एक वेब पोर्टल चलाते हैं JKUT अपडेट के नाम से, रॉबिन के मुताबिक उनका कैमरामैन स्पॉट पर मौजूद था, उसके कैमरामैन ने ये वीडियो शूट किया, और वीडियो शूट करने के बाद ये रॉबिन के पास आया, और रॉबिन ने इस वीडियो को अपने पोर्टल JKUT अपडेट के ऊपर शेयर किया, और रॉबिन ने उसके बाद पूरी खबर भी की और कहा कि देखिए किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस कर्मी ड्राइवरों से रिश्वत ले रहे हैं। मामला बड़ा गंभीर है, ट्रैफिक पुलिस कर्मी साफ तौर पर दिख रहे हैं पैसा निकालते हुए, लेकिन अब इंक्वायरी से ये पता चलेगा ये पैसे रिश्वत के थे, ये पैसे चलान के थे, यह मामला कुछ और था। ये सारी चीजें तब सामने आएंगी जब इस मामले की पड़ताल मुकम्मल होगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया है, और स्ट्रेट लाइन ने, चूंकि हम जानते हैं खबर के बाद आप वीडियो की तलाश में होंगे, वीडियो स्ट्रेट लाइन पर आप देख सकते हैं।